Yo, what's up guys, Jordan Gamer here, मेरा नाम है Michael, welcome back to another gameplay video of GTA 5. तो guys, आप लोग कैसे हो? आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा होगा. फिलहाल दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, ये अंकल तो थोड़े इंडियन टाइप लग रहे हैं. आज हम दोस्तों यहाँ पर जो है लिवियाथन पे काफ़ी तगड़ी राइड करने वाले हैं $15 में. ठीक है, तो जल्दी से राइड करते हैं और उसमें मैं बीच में कुछ नहीं बोलूँगा. आप लोग माइकल की चीखें प्लस दोस्तों जो पीछे हमारे साथ बैठे हैं उनकी चीखें सुन सकते हो. तो मैं अभी नहीं बोलता हूँ, बाद में मैं आप लोगों को बात करता हूँ आपसे. ओके गाइस, फाइनली हम लोगों ने लिवियाथन पे काफ़ी तगड़ी राइड की. मज़ा बहुत ज़्यादा तगड़ा आया गाइस, आप लोगों ने देखा होगा. और लेजेंड्स जो होते हैं वो अपनी कार कहाँ पर रखते हैं? तो गाइस ये जो कार है ना, उसने रखी हुई है वो बड़े से झूले में एकदम टॉप पर, अपनी लाइम ग्रीन कलर की लैम्बोर्गिनी यूरस में. जल्दी से ऊपर जाके आप लोगों को मिलता हूँ. तो ओके गाइस, फाइनली हम लोग अपनी लैम्बोर्गिनी यूरस पर आ चुके हैं. पीछे गया तो भाई मैं मर सकता हूँ. आगे की तरफ जाता हूँ और यहाँ पर जल्दी से लैंड करता हूँ. तो अब आप लोग जैसे देख पा रहे हो गाइस, जैसे मैं यहाँ पर लैंड करना शुरू होता हूँ तो यहाँ पर मैंने गाइस नीचे नीचे थोड़े थोड़े ब्रेक दे रखे हैं. और उसके बाद दोस्तों हम कैसे ना कैसे करके नीचे आ रहे हैं. लेकिन आते आते लेकिन मेरे ख्याल से लगता है ये देखो गाइस, हम लोग फाइनली इतने बड़े झूले पर लटक के ओ तेरी गिर चुके हैं हम लोग नीचे. लेकिन अच्छी बात यह है गाइस कि हमारी जो है पूरी की पूरी कार आर्मर्ड है. तो फिलहाल अब दोस्तों यहाँ पर से मैं जा रहा हूँ डायरेक्ट मलिबू मेंशन पर, क्योंकि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा ही होगा कि उसमें दोस्तों हम लोगों ने आप लोगों को दिखाया था कि कैसे दोस्तों हम लोगों ने एक बड़े मेंशन को पेट मेंशन बनाया. और वहीं पर दोस्तों हमारे जितने भी अभी तक के पेट्स हैं वो सब वहाँ पर रखे हुए हैं. तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, सीधा जा रहा हूँ मलिबू मेंशन पर. लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर थोड़ी सी जो है मॉडिफिकेशन कराने वाला हूँ लैम्बोर्गिनी यूरस पर, क्योंकि गाइस इस पे मॉडिफिकेशन कराना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो जल्दी से दोस्तों मैं इसको जो है मॉडिफाइड करा लेता हूँ. लॉस सैंटोस कस्टम पर मैं आ चुका हूँ और आते ही दोस्तों मैंने जो है यहाँ पर मॉडिफिकेशन स्टार्ट करना शुरू कर देना है. तो ये है दोस्तों हमारी लैम्बोर्गिनी यूरस कार, जो कि दोस्तों एक फास्टेस्ट SUV है. देखो आपके सामने आर्मर करा दी, ब्रेक्स पूरे करा दिए, इंजन करा दिया. इंजन के बाद कलर्स यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, अंदर सीट के जो चेंज हो रहे हैं वो येलो करा दिया. हेडलाइट दोस्तों हम लोग जो है नियॉन कराने वाले हैं. और अभी दोस्तों जो पीछे जो नीचे पीछे लिखा होगा वहाँ पर दोस्तों हम लोग जो है जॉर्डन गेमर लिखवाने वाले हैं. ठीक है, तो अभी दोस्तों आप लोग खुद देख पा रहे हो कि मैं यहाँ पर जो है जॉर्डन लिखवा चुका हूँ मैं. और काफ़ी बढ़िया लगने वाला है दोस्तों ये वाली कार जो है फुल्ली अभी अच्छी लगने वाली है. तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो ये वाली कार है उसका दोस्तों हम लोगों ने जो है मॉडिफिकेशन किया है वो बिल्कुल ग्रीन कर दिया है, जैसे कि आप लोग खुद ही देख ही पा रहे हो. क्योंकि गाइस मुझे लाइम ग्रीन काफ़ी बढ़िया लगता है. ठीक है, और लाइम ग्रीन मैंने यहाँ पर करवा दिया है. उसके बाद यहाँ पर टायर स्मोक की बात करी जाए तो येलो टायर स्मोक करा लेते हैं, काफ़ी बढ़िया रहता है. अब बाहर निकल चुका हूँ, कार जो है फुल्ली मॉडिफाइड हो चुकी है. तो गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारी लैम्बोर्गिनी यूरस फुल्ली रेडी हो चुकी है. अगर मैं आप लोग को इसका जो है साउंड सुनाता हूँ तो ये देखो गाइस यहाँ पर जो है येलो कलर का स्मोक भी निकल रहा है. और अच्छी तरीके से आप लोग को स्मोक दिखाता हूँ. तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कितना तगड़ा यहाँ पर जो है येलो कलर का स्मोक निकल रहा है. ओके गाइस, तो अब भी मेरे को यहाँ पर जो है काफ़ी तगड़ी कॉल आई है और कॉल में बहुत तगड़ी सैड न्यूज़ हम लोगों को देखने को मिली है. तो जो सैड न्यूज़ वो ये है कि लेस्टर हमारे मलिबू मेंशन पर था और वहाँ पर दोस्तों जो है वहाँ पर जितने भी टाइगर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा भूखे थे, तो उन्होंने सीधा अटैक कर दिया है पग पर और सामने की तरह रैबिट पर. दोस्तों दोनों पर अटैक कर दिया, उन लोगों से नहीं रहा गया. और गाइस वो लोग जो हैं अभी काफ़ी तगड़े एक तरह से उन दोनों ने उसको मार दिया है. तो अभी मेरे को जाके उससे जो है मिलना पड़ेगा. फिलहाल आप लोग देख पा रहे हो जो लैम्बोर्गिनी यूरस है वो कितनी अच्छी और कितना सही इसका ग्राउंड क्लियरेंस है और कितनी तगड़ी चल रही है. फिलहाल बातें बहुत हो गई, अब मैं जल्दी से निकलता हूँ मलिबू मेंशन पर. वहाँ पर दोस्तों लेस्टर ने एक बहुत तगड़ा सीक्रेट बेस का इंतज़ाम कर रखा है हमारे मलिबू मेंशन पर,
जहाँ पे आप लोग को ये देखने को मिलेगा कि गाइस कैसे ना कैसे करके हम मलिबू मेंशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर दोस्तों मैं अभी जल्दी से जाता हूँ और आप लोगों को वो वाली जो है चीज़ दिखाता हूँ। ये रहा गाइस, आप लोग देख पा रहे हो सामने की तरफ में वाइट टाइगर एक बैठा हुआ है और उसी ने दोस्तों जो है बहुत तगड़े तरीके से हमारे दोनों रैबिट्स को प्लस दोस्तों पक को मार दिया है। ठीक है, ये रहा गाइस बेचारा लेस्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। ये रहा गाइस वाइट टाइगर, क्यों यार तेरे को समझ में नहीं आती भाई एक बात पे। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो लेस्टर बार बार बोल रहा है कि वाइट टाइगर ने दोस्तों हमारे रैबिट वगैरह को मार दिया है। बहुत ज़्यादा ही मतलब बेकार लग रहा है मुझे, एक वेस्टी मार दिया, एक पग और दो रैबिट। क्यों भाई इतनी ज़्यादा भूख लगी है तो भाई जंगल में चले जाओ ना, हमारे साथ क्यों रह रहे हो। तो भाई मैंने तो इसको सीधा खुला रख रखा है ताकि हम लोग जो है कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं देते अपने पेट्स को। यहाँ पर अब इसको सज़ा मिलेगी, जैसे ही मैं इसको अपने साथ में लेके जाता हूँ ये अपने को कैसे ना कैसे छुड़ा के नीचे बैठ जाता है। अब चल ना भाई, वो देखो मरने का नाटक कर रहा है। भाई तेरे को मैं मार नहीं रहा हूँ यार, चल मेरे साथ, तेरे को मैं लेके चलता हूँ कारखाने में अपने। वो भयंकर फिर से छूट गया यार ये। और देखो जैसे ही मैं इसको लेके चलने की कोशिश करता हूँ ना, ये देखो भाई ये नाटक करने लग जाता है, बोलता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं अब अगली बार नहीं करूँगा, अगली बार नहीं करूँगा। तो गाइस इन पर ना मेरे को दया भी आती है और हंसी भी आती है। ये देखो मैंने दोबारा पकड़ लिया इसका गला और उठा लिया, चल जल्दी चल। देखो कैसे ना कैसे करके अपने आप को छुड़ा लेता है, बोलता छोड़ो मुझे। लेकिन जो जो तूने यहाँ पर कांड किया भाई, अभी उनको मारा तो खा तो ले कम से कम। अब इनको मैं क्या करूँ, इनका अचार डालूँ भाई? इधर आ, इसको खा यहाँ पर आके। यहाँ पर आप लोग देख पा, एक ये देखो इसने दहशत मचा रखी है यहाँ पर, अब इसे भी भूख लग रही है। लेकिन यहाँ पर पिटबुल्स वगैरह भी खड़े हैं और पिटबुल ने इनको हरा रखा है। तो यहाँ पर दोस्तों ये देखो गाय और गाय के बच्चे को कितना ज़्यादा सता रखा है। ठीक है, बाकी कोई कुछ नहीं कह रहे लेकिन इन्हें ज़्यादा चुल मची हुई है। अब भाई इतना बड़ा शरीर है, अब ले ये तेरे लिए मैं लेके आया, तू इसको खा जल्दी जाके बेटा, खा लो इस खरगोश को, नहीं तो ना उठा के पटक दूँगा अभी यहीं पर। मुझे समझ में नहीं आ रहा गाइस मैं क्या करूँ इनका। लेकिन आप लोग खुद ही देख ही पा रहे हो गाइस कि अभी माइकल कैसे ना कैसे करके क्या क्या कर रहा है। ठीक है, तो अभी दोस्तों मैं इसको यहाँ पर जो है मारता हूँ एक बार, तो खा ले, हद हो गई यार, चलो ठीक है। एक बजा मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख तो लग रहा है, लेकिन अभी लेस्टर से बात कर लेते हैं। तू भी इधर आ, तेरे को भी थोड़ा सा मज़ा चखाता हूँ मैं अभी यहाँ पर। एक काम करते हैं लेस्टर, इन दोनों को तुम भेजो वहाँ पर जो तुम्हारा सीक्रेट बेस है। ठीक है, तो यहाँ पर लेस्टर से मैंने बात करी, लेस्टर बोलता है कि मैंने जो है फाइंड किया है मलिबू मेंशन में काफ़ी तगड़ा सीक्रेट बेस है, और वो सीक्रेट बेस ऐसा सीक्रेट बेस है गाइस बहुत ज़्यादा खतरनाक है। पिटबुल तू अभी इधर आ जा, नहीं तो तेरे को भी उठा के पटक दूंगा भाई मैं। ठीक है, हट जाए यहाँ से। अब देख माइकल कैसे स्कोल्ड करता है अपने डॉग्स वगैरह को, आप लोग खुद ही देख ही पा रहे हो, उठा उठा के फेंक दे रहा है भाई उन लोगों को। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम लोग ऊपर अपने नए सीक्रेट बेस पर, जहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमारा नया सीक्रेट बेस किधर है। वो रहा गाइस हमारा नया सीक्रेट बेस। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा गाइस ये कैसा सीक्रेट बेस है, लेकिन है काफ़ी तगड़ा जादुई, और ये पता नहीं लेस्टर ने फाइंड किया है कैसे ना कैसे करके, कुछ पावर से एक्टिवेट कर दिया है इस वाले सीक्रेट बेस को, जिसमें कुछ कंटेनर्स वगैरह बने हुए हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो गाइस, यहाँ पर कुछ बेड्स और कुछ पत्थर वगैरह रखे हुए हैं। ठीक है, एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर दोस्तों हम लोग जैसी एंट्री पता नहीं कैसे ले ली मैंने, सामने की तरफ में एक जेल टाइप बनी हुई है। लेकिन गाइस जेल में हम लोग कैसे जा सकते हैं आप लोग देख पा रहे हो, जो इसके अंदर एंट्री ले लेता है गाइस वही इसके अंदर आ पाता है। और अंदर मैं यहाँ पर दोस्तों जो है जो भी बाहर शैतानी शोर वगैरह करेगा वो अंदर हमको आके मिलेगा। तो ये रहा गाइस हमारा नया सीक्रेट बेस, जो कि काफ़ी ज़्यादा खाली और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। हालांकि दोस्तों ये रोड की एक तरह से नीचे टनल है, लेकिन गाइस बंद टनल है। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कैसे ना कैसे करके जादुई टाइप यहाँ से सारे टाइगर आ चुके हैं, और जहाँ पर दोस्तों जो है माइकल इन लोगों को काफ़ी अच्छा मज़ा चखाने वाला है। ठीक है, जैसे कि आप लोग खुद ही देख पा रहे हो उठा उठा के भाई पटक रहा है, काफ़ी तगड़ा स्कोल्ड कर रहा है कि भाई इन्होंने ऐसा क्यों किया। और यहाँ पर ही दोस्तों जो है हम लोग सज़ा वगैरह देंगे उन्हें। ठीक है, पूरे मतलब जो भी हैं यार, मेरे को समझ में आया, मेरे को ये सब करना अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है, लेकिन इस बेस पर आके क्रुएलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये बेस काफ़ी तगड़ा जादुई बेस है, और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ गाइस यहाँ से बाहर कैसे निकलते हैं। जो यहाँ पर एक बार एंट्री हो गया बाहर कैसे जाएगा भाई? तो यहाँ से देखो इसका कोई सीक्रेट है वो, जो कि लेस्टर ने बता रखा है। देखो ऐसे हम लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं और दुनिया के नीचे हम लोग चले जाते हैं, और उसके बाद दोस्तों हम लोग जो है सीधा बाहर निकलते हैं। तो गाइस ऐसा सीक्रेट बेस था जो कि फाइंड किया लेस्टर ने, वो भी मलिबू मेंशन पर। और गाइस
बेस कैसे हम लोग निकले वो आप लोगों ने देख ही लिया, कुछ तो था भाई उस जादुई बेस में। अब उसे और ज़्यादा मॉडिफाइड करेंगे और उसमें कुछ और ज़्यादा चेंजेस करेंगे। हालांकि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, सीक्रेट बंकर वो भी मलिबू मेंशन पर, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर टिक करो। कमेंट करके ये बताओ कि आप लोगों ने कभी सीक्रेट बंकर्स देखे हैं और GTA 5 खेला है कि नहीं। लव यू ऑल एंड बाय बाय।